आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे जाने, मेरा वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है कैसे पता करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे NSP, उसके बाद एंटर करेंगे। तो यह पहला वाला लिंक होम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए पहले हम डाल लेते हैं, उसके बाद लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ यूजर आईडी दबा दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया है, कैप्चा भी डाल दिए हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन हो रहा है, यहाँ से यूजर आईडी डाल दिए हैं, पासवर्ड भी डाल दिए हैं, कैप्चा भी डाल दिए हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ से लॉगिन हो चुका है। देखिए नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है MSTD इंटर कॉलेज, यहाँ से वेरीफाइड कर दिया है। चंदन कुमार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये भी वेरीफाइड कर दिया है। डेट भी आप यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ कॉलेज वेरीफाइड 30/11/2022 को किया था और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 26/12/2022 को किए हैं। उस बाद आएंगे यहाँ से आप चेक योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, यहाँ से हो चुका है। यहाँ से चाहे तो आप एप्लीकेशन को प्रिंट भी करके अपने पास एक रख सकते हैं, दोबारा फिर प्रिंट कर सकते हैं इसको। यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यह प्रिंट होकर रहेगा। चाहे तो आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर PDF में भी सेव करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।